बड़वाह के पास काटकुट फाटे पर स्थित उपजेल की 21 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागा कैदी पकड़ लिया गया है। उसने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उसे अपने अकेले रह रहे बेटों की चिंता थी, इसलिए वह जेल से फरार हुआ था। पुलिस ने उसकी धरपकड़ में करीब 20 घंटे सर्चिंग की। इसके बाद वह जेल से करीब 10 किलोमीटर दूर रामकुल्ला के वन क्षेत्र में मिला। बड़वाह के पास काटकुट फाटे पर स्थित उपजेल से बंदी संजय गुरुवार को फरार हो गया था। वह 21 फीट ऊंची जेल दीवार फांद कर भागा था। पुलिस ने 20 घंटे बाद शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे रामकुल्ला गांव से पकड़ लिया। बंदी संजय निवासी खेड़ी टांडा ने जेल अधीक्षक युवराज सिंह मुवेल को बताया कि जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है। उसके दोनों बच्चे अकेले हैं। बच्चों के चिंता के कारण वह जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलना चाहता था। उसने सीढ़ी देखी तो मौका पाकर निकला। वह जेल से फरार होने के बाद बच्चों से मिलना चाहता था। पूछताछ में संजय का कहना है कि मेरी पत्नी के बारे में जानकारी मुझे पिताजी से मिली थी। वह बुधवार को जेल में मिलने आए थे। वह अब भी अपने बच्चों से मिलना चाहता है। हालांकि जेलर ने बताया कि दोनों बच्चे उसकी नानी के यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि संजय के फरार होने के बाद और उसके मिलने तक जेल पहरी घर नहीं गए थे। उन्हें मौके पर ही खाना पहुंचाकर लगातार ढूंढते रहने के लिए कहा था। संजय को पकड़ने के लिए 5 टीम बनाई थी जो अलग अलग क्षेत्र में ढूंढ रही थी। इसमें कुछ स्थानीय ग्रामीणों को भी शामिल किया गया था। दिन में शर्ट चौड़ा पार्ट पर मिलने के बाद उसे वन क्षेत्र में तलाश रहे थे। रात होने के बाद ढूंढना मुश्किल था, ऐसे में चांदनी रात होने से ढूंढना आसान हुआ। रात में वह अलाव जलाकर बैठा हुआ था लेकिन गाड़ी देखकर भाग निकला। उजाला होने के बाद संजय जेल से करीब 10 किलोमीटर दूर रामकुल्ला के वन क्षेत्र में शिव गुफा के पास से पकड़ा गया। उसने वन क्षेत्र में अवैध दारू की भट्टी के पास से कपड़े उठाकर पहन लिए थे। संजय के उपजेल से फरार होने के बाद वह यहां नहीं रह पाएगा। जेल अधीक्षक के अनुसार कैदी आबकारी प्रकरण 34 के तहत 14 अक्टूबर से बंद था, मगर जेल से भाग जाने के बाद जेल धारा अधिनियम के तहत मामला बनेगा और उसकी सजा भी बढ़ जाएगी। कैदी को अब सेंटर जेल भेजा जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला जेल उप अधीक्षक ललित दीक्षित ने बयान लिए हैं। सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। इस मामले में भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भागने का कारण देखा जाए तो घटना के बाद हमने जिसे सूत्रों से पता किया हमने कि बंदी के पिताजी एक दिन पहले जेल में मुलाकात करने आए थे और ये भी पता चला कि बंदी की जो पत्नी है किसी अज्ञात आदमी के साथ 7 से 8 दिन पहले भाग गई है। तो हो सकता है कि बंदी को कोई मानसिक तनाव या कोई तकलीफ हो या दिक्कत हो गई है।